आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह है 17 अगस्त की शाम का न्यूज एनालिसिस दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। फेसबुक पर आरोप है कि वो बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। बीजेपी और फेसबुक दोनों ने आरोपों को गलत बताया, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से अलग आज समझेंगे कि कैसे फेसबुक जैसी टेक कंपनियों के काम करने का तरीका प्रॉब्लमेटिक है। अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे एक्टर आमिर खान ने वहां के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की और इस पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक उनकी खिंचाई कर रहे हैं कि उन्हें भारत में तो डर लगता है, तुर्की में नहीं। अजीब गरीब दलील आपको लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और समझेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बच गई, लेकिन स्टेट लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रभारी अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को लाया गया है, इसका मतलब क्या है और पायलट अब कहां सेटल होंगे, ये सब। लेकिन पहले हेडलाइंस। बिहार में लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई थी। बिहार में कोरोना के 1,00,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 461 लोगों की मौत हो चुकी है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तेजी से घटती प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए 10 साल का प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन लॉन्च करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने NEET और JEE परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मामले में रिव्यू याचिका दायर की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल SYL सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर बैठक करेंगे। कोरोना संकट दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहा है। अप्रैल से जून की तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में करीब 28% और इसराइल की अर्थव्यवस्था में करीब 29% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। चीन ने कैंसिनो कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन के पेटेंट को मंजूरी दे दी है। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का असर दोबारा देखने को मिल रहा है, इसे देखते हुए आम चुनाव को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। दृश्यम और मदारी जैसी फिल्मों के डायरेक्टर निशिकांत कामत का आज हैदराबाद में निधन हो गया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज दिन भर में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या फेसबुक अपने राजनीतिक इस्तेमाल को हवा दे रहा है। फेसबुक पर जब कोई नफरत फैलाता है, चाहे धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर फैलाए, तो फेसबुक क्या करता है? नियम यह है कि उसके अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके मुताबिक फेसबुक उस पोस्ट को डिलीट करेगा, बल्कि पोस्ट करने वाली प्रोफाइल या पेज को भी कुछ दिनों के लिए वो ब्लॉक करना चाहिए उसको, और ज़रूरी हो तो हमेशा के लिए वो ब्लॉक करना चाहिए। तो ये नियम है, उसके अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन फेसबुक पर आरोप लगा है कि वो भारत में ऐसा नहीं कर रहा, खासतौर से बीजेपी के समर्थन वाली हेट स्पीच को नहीं हटा रहा है। अमेरिका का मशहूर अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में फेसबुक के टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अनखी दास ने अपने स्टाफ मेंबर से कहा था कि अगर हम बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच पर कार्रवाई करेंगे तो ये हमारे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स यानी व्यापारिक संभावनाओं के लिए बुरा साबित होगा। यही अनखी दास ने सारे आरोपों को गलत बताया है और अपनी तरफ से एक FIR आज कराई कि उन्हें जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पर दी जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को लूजर कहा और इस पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जैसी अक्सर दोनों पार्टियों में होती है वैसी जूतम पैजार 2 दिनों से चालू है। पर पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर इसके एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? फेसबुक की भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। फेसबुक से गलती हो रही है, फेसबुक इसको काबू नहीं कर पा रहा, या फेसबुक जानबूझकर किसी चीज़ को हवा दे रहा है? मैंने साइबर कानूनों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि ये बात छिपी नहीं है कि फेसबुक पर बड़ी मात्रा में हेट स्पीच है, लेकिन उसको हटाने का कोई परमानेंट अकाउंटेबल सिस्टम और कारगर सिस्टम नहीं बन पाया है, तो इसकी वजह क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को सही तरीके से इन्फोर्स नहीं करने से ये विसंगति है। वो सिस्टम है 3 तरीके का। पहला सिस्टम है कि फेसबुक के अपने खुद के कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरा भारतीय कानून है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून है।
उन कानूनों के तहत ये जो आपत्तिजनक पोस्ट हैं उन सारे पोस्ट को कायदे से तो वहां पर आना ही नहीं चाहिए और कंप्लेंट हो जाए तो उनको डिलीट करना चाहिए, लेकिन इन सारी पोस्ट से उनका व्यापार बढ़ता है इसलिए वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। दो तरह के विरोधाभास हैं। पहला विरोधाभास यह है कि ये कंपनियां बोलती हैं कि साहब हमको तो कंटेंट डिलीट करने का कोई पावर ही नहीं है, कोर्ट का आदेश चाहिए। तो अगर कोर्ट के आदेश से डिलीट होता है तो फिर लाखों करोड़ों कंटेंट को मॉडरेशन कैसे करते हैं। दूसरा विरोधाभास ये है कि ये कंपनियां बोलती हैं कि भारत में इनकी जो इकाई है, जो कंपनी है भारत में, उसके पास कंटेंट को डिलीट करने का कोई पावर नहीं है। तो अगर भारत के ऑफिसर्स के पास कोई पावर नहीं है तो जो वर्तमान कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसमें भारत के अधिकारी क्या कर रहे थे, वो लोग सरकार से क्यों मिलते हैं, विरोधी दलों के नेताओं से क्यों मिलते हैं। तो फेसबुक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, दरोगा भी है, जज भी है, जूरी भी है, वो जब मन चाहे करते हैं, जब मन चाहे नहीं करते हैं। यह एक समाज और पूरी व्यवस्था के लिए चिंताजनक बात है और इन कंपनियों पे एक सार्वभौमिक, एक यूनिफॉर्म तरीके से कार्रवाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए जो पूरे समाज के लिए बेहतर होगा। जी विराग जी, इस पूरे मुद्दे का कानूनी पहलू थोड़ा समझना चाहते हैं कि इन कंपनियों की कानूनी तौर पर कोई जवाबदेही होती है या नहीं, अगर वे उनके प्लेटफॉर्म से कोई भी हेट स्पीच फैलती है तो। अभी 15 अगस्त को भारत में इंटरनेट के 25 साल हुए और जब इंटरनेट बना था तो उस समय कानूनी व्यवस्था ये बनी थी कि ये जो इंटरनेट की कंपनियां हैं इनको पोस्टमैन माना गया था कि पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर के जाता है तो पोस्टमैन की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होती है, चिट्ठी देने वाला कोई और होता है, लेने वाला कोई और होता है। तो इन कंपनियों को इंटरमीडियरी माना गया और आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में इंटरमीडियरी को बोला गया कि भाई तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन पिछले 25 सालों में ये कंपनियां दवा से लेकर के सारे कारोबार करने लगी, बहुत बड़ा इनका इतना बड़ा एम्पायर हो गया कि आज फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वो भारत जैसे कई देश उस पूरे आबादी में समा जाएंगे। उसके बावजूद भी इन कंपनियों को वो एग्जम्पशन सभी मिल रहे हैं, लेकिन इनको वो इंटरमीडिएट के फायदे लेने के लिए जो नेसेसरी सेफगार्ड्स करने हैं, जो इनको सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, वो नहीं उठा रहे हैं। उसके लिए भारत में सन 2011 में इंटरमीडिएट रूल्स बने थे जिन पर सरकार ने 2 साल पहले बदलाव किया, लेकिन बड़ा दुर्योग और दुर्भाग्य है कि उन कानूनों को, नियमों को पिछले 2 सालों से लागू नहीं किया गया। इसी तरीके से 9 जजों के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइवेसी का ऐतिहासिक जजमेंट दिया था 3 साल पहले, उस पर भी अभी कानूनी व्यवस्था लागू नहीं हुई है। बड़ा दुर्योग और दुर्भाग्य ये है कि जो भारत के कानून हैं उन कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है और नए कानून बनाए नहीं जा रहे हैं, तो इन कंपनियों के लिए बिल्कुल से एक स्वच्छंदता की स्थिति है कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का भारत में कानूनी या नियम का कोई एक दबाव नहीं है, जिसकी वजह से एक अराजकता की स्थिति है। उसको एक छोटे से तरीके से समझना पड़ेगा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत जरूरी चीज है, संविधान के 19 के तहत वो सुनिश्चित है, लेकिन कंपनियों की जवाबदेही पूरी तरह से अलग है। तो कंपनियां जवाबदेह हों और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई चोट नहीं पहुंचे, यह संतुलन बनाने की आवश्यकता है। विराग जी, इन कंपनियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपना इस्तेमाल हो जाने दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के टूल बन गए वो लोग, भारत तक ये आरोप आए हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो मोडस ऑपरेंटी है, जैसे कि आईटी सेल्स का जो एक कल्चर है, उसमें क्या क्या समस्याएं लगती हैं आपको जो इस समस्या को और इजाफा उसमें कर देती हैं? नहीं देखिए, हमने अक्टूबर 2013 में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया था जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए गाइडलाइंस बनाई थी चुनाव आयोग ने, जिसको इंस्ट्रक्शंस फॉर सोशल मीडिया बोला गया था। और वो गाइडलाइंस के अनुसार राजनीतिक दलों की तमाम सारी जिम्मेदारियां थी, इन कंपनियों की जिम्मेदारियां थी, और लेकिन उसके बावजूद भी इन कंपनियों ने उन नियमों को लागू नहीं किया, राजनीतिक दलों ने उन नियमों को लागू नहीं किया। और पिछले 2014 के चुनावों में सिर्फ 5 लोगों ने सोशल मीडिया के अपने एक्सपेंसेस को, डिटेल्स को दिखाया। 2019 का चुनाव तो पूरा सोशल मीडिया में लड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के जो खर्चे हैं, सोशल मीडिया के जो विज्ञापन हैं,
जो आईटी सेल्स हैं वो सारी चीजें पार्टीज के एनुअल रिटर्न्स में नहीं दिखती हैं। तो ये मोटे तौर पे सारे राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, इनके जो आईटी सेल्स हैं ये बेसिकली सब गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और इन पर कोई जवाबदेही नहीं है, ना ही चुनाव आयोग की, न ही दूसरे तरीके की, जिसकी वजह से एक संगठित तौर पर फेक न्यूज और हेट न्यूज एक कारोबार की शक्ल ले चुका है, जो कि एक चिंताजनक बात है और इस पर चुनाव आयोग और सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे साइबर कानूनों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता। आमिर खान विवादों में है, क्यों? उनकी एक फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, उसकी शूटिंग के लिए वो गए थे तुर्की। अब तुर्की गए तो जाने कैसे ये प्रोग्राम बना कि उनकी मुलाकात हो गई वहाँ के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की पत्नी अमीन एर्दोगान से। तो अमीन एर्दोगान ने खुद 3 तस्वीरें अपने ट्विटर पर डालीं और लिखा कि मशहूर एक्टर आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे और उनसे मेरी मुलाकात हुई। लेकिन इन तस्वीरों के आधार पर आमिर खान की भारत में खिंचाई हो रही है, खासतौर से बीजेपी नेता और समर्थक उन्हें बिल्कुल नहीं बख्श रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ये फोटो डालकर लिखा है कि इनको इंडिया में डर लगता है, आमिर खान पर तंज किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि मेरी ये बात सही साबित हुई कि आमिर खान भी तीनों खानों में से एक हैं। एक पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तो आमिर खान नहीं मिले, लेकिन शत्रु देश तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी की मेज़बानी उन्होंने स्वीकार कर ली। अब एक एक्टर एक देश के प्रेसिडेंट की वाइफ से मिला तो इस पर विवाद क्यों हो रहा है? खासतौर से बीजेपी समर्थक ही इस पर ज़्यादा क्यों नाराज़ हैं? तो यहाँ एंट्री होती है पॉलिटिक्स की। स्वाति मिश्रा हमारी साथी हैं, द ललन टॉप पर जो इंटरनेशनल इश्यूज़ को कवर करने वाली सीरीज़ है दुनियादारी, उसकी प्रोड्यूसर हैं स्वाति और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नज़र रखती हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि लोग आमिर खान से इस मुलाकात की वजह से नाराज़ क्यों हैं। देखिए, एर्दोगान की जो छवि है वो काफी मुस्लिम तुष्टिकरण की है, बहुत कट्टरपंथी रवैया और उनकी पॉलिटिक्स बहुत कट्टरपंथी है इस वजह से भी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि भारत से जुड़े मुद्दों को लेकर, जिनको लेकर यहाँ एक बड़ा तबका बहुत ज्यादा भावुक है, उस मुद्दे पर उनकी जो राय है, मुद्दा है कश्मीर से जुड़ा हुआ। पिछले साल जब भारत ने आर्टिकल 370 खत्म किया था, उसके बाद भी एर्दोगान उन देशों में थे जिन्होंने इस मसले पर पाकिस्तान का साथ दिया था। वो पहले भी कश्मीर के मुद्दे को न्याय का मुद्दा बताते रहे हैं पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के पक्ष में जाते हुए। तो इस बात का गुस्सा भी है, पिछले साल का तो था ही था, उसके बाद अभी क्या हुआ कि 5 अगस्त की फिर से तारीख आई और पाकिस्तान ने दोबारा भारत को इस मसले पर घेरने की कोशिश की और फिर से तुर्की ने उनका उसका साथ दिया और फिर से ये बात दोहराई कि नहीं, कश्मीर तो पाकिस्तान का है और वही सारी चीजें। तो इस बात पर ये बहुत ताजा मसला था, तो इसी को लेकर जब आप एर्दोगान की पत्नी से मिलेंगे तो एर्दोगान की छवि साथ में कैरी होगी और उनकी पॉलिटिक्स कैरी होगी, इसीलिए आमिर खान को ट्रोल किया जा रहा है, मतलब जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये वजह है। तो स्वाति, भारत और तुर्की के रिश्ते हाल के दौर में कैसे रहे, क्योंकि 2017 में एर्दोगान खुद भारत आए थे, उनकी आप वेबसाइट पर जाएं तो बायलेटरल रिलेशंस को अभी भी क्लेम किया जाता है, पिछले 2 साल में ये रिश्ते गड़बड़ाए ज़्यादा हैं, तो भारत और तुर्की के बीच रिश्ते अतीत में और अभी हाल के दिनों में वो कैसे हैं? देखिए, अतीत की बात करिए तो खिलाफत आंदोलन के टाइम में जो पूरी मूवमेंट चली थी उसका तो बेसिस ही तुर्की था, जो वहां पर खिलाफत थी उसके समर्थन में इन्होंने आंदोलन चला था यहाँ पर। तो पहले की वो दौर बीत चुका है और अब तुर्की की, मतलब तुर्की और भारत के जो रिश्ते हैं उनके बीच का जो ठंडापन है, उसकी एक बड़ी वजह तुर्की का जो लार्जर पॉलिटिक्स है वो है। तुर्की की कोशिश है कि वो मुस्लिम जगत का अगुवा बने, उनका लीडर बने। बहुत लंबे वक्त तक, जब तक ऑटोमन साम्राज्य था तब तक तुर्की को ये ओहदा हासिल भी था, वो चीजें तय करता था, लोग उसकी तरफ देखते थे, मुस्लिम समाज। लेकिन फिर वो ओहदा चला गया और उसके बाद धीरे धीरे सऊदी ने ये जगह ले ली, खासकर सुन्नी वर्ल्ड में।
तो इसके लिए वो हाइया सोफिया वाला उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि उसको लेकर कितना उन्माद क्रिएट किया गया, और जबकि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में और उन हिस्सों में अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की भी है जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान उन देशों में है जिसमें हाइया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाए जाने के फैसले पर बड़ी खुशी जताई थी। तो वो भी एक नजदीकी की भी मिसाल है और पॉलिटिक्स का भी की भी मिसाल है। 17 साल हो गए एर्दोगान को वहाँ की नेशनल पॉलिटिक्स में आए हुए, तो इन 17 सालों में उनकी कोशिश यही रही है कि इस्लामिक जगत में तुर्की को वही वाला ओहदा दिलाना। अब इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं कि जो भी जैसे बहुत संवेदनशील मुद्दे, जैसे हमने बात की कश्मीर वाला, तो उस मुद्दे को इस्लाम से जोड़ना, इस्लामीकरण करना उसका और उस पर भारत को घेरना, ये उनकी कोशिश है। दूसरा, रिश्तों के बीच में थोड़ा उनकी तरफ से गड़बड़ियों की बात तब भी आई थी, मतलब कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि एर्दोगान के नेतृत्व वाला तुर्की भारत में मुस्लिमों को रेडिकलाइज करने के लिए फंड कर रहा है, और बहुत सारे केरल में कई सारे एक्टिव हैं या और भी कुछ जगहों पर, वहां पर जो भी इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके उन तक तुर्की की फंडिंग पहुंचने की बात है। वैसा ही जैसा एक वक्त में और अभी भी सऊदी दुनिया के कई हिस्सों में करता है, और जैसे ईरान शिया वर्ल्ड में करता है शिया प्रभुत्व को बनाने के लिए, ठीक उसी राह पर चलते हुए वो भी कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ रहा है। तो बायलैटरल रिलेशन कहने को है लेकिन वो गर्मजोशी नहीं है, और इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले कुछ वक्त में भारत सऊदी अरब और यूएई के थोड़ा करीब आया है। आप देखेंगे उनके आपसी रिश्ते हैं वो ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब सऊदी और यूएई एक ऐसे पाले में है जो बिल्कुल तुर्की के अगेंस्ट है। अब ये मतलब अपने नाक की लड़ाई है, ऐसा ही होता है जैसे एक वक्त में कि आप अमेरिका के पाले में थे तो आप सोवियत के साथ नहीं हो सकते थे, आप सोवियत के साथ थे तो अमेरिका के साथ नहीं हो सकते थे। तो इसीलिए अभी क्योंकि हम यूएई और सऊदी के करीब आए हैं तो तुर्की और पाकिस्तान ज्यादा करीब आए हैं, तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स की वजह हमारे रिश्तों पर आ रही है। ये थी हमारी सहयोगी स्वाति मिश्रा। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं, और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक फौरी सुलह तो हो ही गई है। पायलट मतभेद भुलाकर पार्टी में लौट आए हैं, सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है, लेकिन पायलट की वापसी के साथ राजस्थान में पार्टी के संगठन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। हर पार्टी का प्रदेश में एक प्रभारी होता है, तो प्रभारी जो है वो एक तरह से केंद्रीय आला कमान का स्टेट में प्रतिनिधि होता है, और इलेक्शन के समय कैंडिडेट्स को फाइनल करने में, उस इलेक्शन को लड़ने की रणनीति बनाने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। प्रभारी की बड़ा पावरफुल पद है ये। तो राजस्थान के प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनको पद से हटा दिया गया है। सचिन पायलट का आरोप था कि पांडे साहब जो हैं वो अशोक गहलोत का ही पक्ष लेते थे हमेशा और उनकी नहीं सुनते थे, तो अविनाश पांडे की जगह ये जिम्मेदारी अब अजय माकन को दी गई है। इससे गहलोत खेमा भी खुश नहीं बताया जा रहा। तो आला कमान ने सचिन पायलट की बातें सुनी हैं, उन पर एक्शन लिया है। आज तक रेडियो के हमारे रिपोर्टर हैं शरद कुमार, जयपुर में रहते हैं। इस पूरी घटना को उन्होंने शुरू से कवर किया है, आपने उन्हें आज तक रेडियो पर कई बार सुना है। मैंने उनसे बात की और पूछा कि अविनाश पांडे की विदाई के पीछे और क्या संकेत छिपे हो सकते हैं। देखिए, बदलाव करना भी था, क्योंकि अगर सचिन पायलट आए हैं और अपने साथ 18 विधायकों को लेकर आए हैं तो ये संदेश देना जरूरी था कि उनके तरफ भी सहानुभूति कांग्रेस आला कमान रखती है। जो डिसेंट ग्रुप है उन पर भी, उनके कंप्लेन के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने कहा था कि अविनाश पांडे की वजह से हमारे और अशोक गहलोत के बीच दूरियां बढ़ी है, और कांग्रेस आला कमान को भी ऐसा लगा कि कांग्रेस महासचिव का जो पद होता है
वो एक समन्वय स्थापित करने के लिए होता है, लेकिन वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से सचिन पायलट को जो परेशानियां थी वो कहने के लिए कोई जगह नहीं मिला और कोई वेंटिलेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से सचिन पायलट ने ये बागी बनने का रास्ता तैयार किया था। अब अगर अविनाश पांडे को हटाया जाता है तो किसको रखा जाए, ऐसा कांग्रेस आला कमान सोच रही थी कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जाएगा तो हो सकता है कि अशोक गहलोत नाराज हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को रखा गया जो पिछले 35 दिनों से अशोक गहलोत के ग्रुप के जो विधायक थे उनके साथ रह रहे थे, वो थे अजय माकन। अजय माकन राहुल गांधी के भी करीबी भी है और अजय माकन पिछले 34 दिनों से अशोक गहलोत के जो विधायक थे 102 विधायक उनके साथ रह रहे थे। ऐसे में उन्हें लगा कि अशोक गहलोत भी पूरा नहीं मानेंगे, हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत बेहद नाराज है इस फैसले से, वो अविनाश पांडे को हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे और पक्ष में भी नहीं थे, ये बात उन्होंने कांग्रेस आला कमान को पहुंचा दी थी। इसके बावजूद वो हटाए गए, यही वजह है कि कल 8 बजे अजय माकन की नाम की घोषणा हो चुकी थी कांग्रेस प्रभारी के रूप में राजस्थान के, लेकिन अशोक गहलोत 10:40 पर उनको ट्वीट करके बधाई दिए। इस बीच इस बात पर मंथन चलता रहा कि ऐसा हुआ क्यों। एक सवाल ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो झगड़ा था उसके सुलह का एक पड़ाव है अविनाश पांडे की छुट्टी, क्योंकि ये एक बड़ी मांग थी सचिन पायलट की, लेकिन अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं, इतने सारे आरोप जो सचिन पायलट ने लगाए थे, उस दिशा में क्या हो रहा है। सचिन पायलट ने विधानसभा में कहा था कि हमें हमारी जो शिकायत थी हमने डॉक्टर के पास अपने डॉक्टर के जाके बता दिया है और हमारे मर्ज का इलाज शुरू हो गया, हम इलाज कराकर आए हैं, तो उसी दिशा में अब 3 एंटीबॉडी भी दी गई है कांग्रेस आला कमान की तरफ से, यानी कि 3 लोगों का एक कमेटी बना दी गई है जिसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल है, प्रदेश प्रभारी नए जो बनाए गए हैं अजय माकन है और अहमद पटेल है। अब ये लोग देखेंगे कि सचिन पायलट के साथ क्या नाइंसाफी हुई है, सचिन पायलट तो जो कुछ कहना है इस ग्रुप के पास जाकर कहेंगी, यानी एक वेंटिलेशन दिया गया है कि अपना फ्रस्ट्रेशन जो निकल रहा था सचिन पायलट का उसको आकर यहाँ कहें, और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिम्मेदारी उठाई है, उनको कहा है कि हम ये पूरा करेंगे। उधर अशोक गहलोत भी जिस तरह से जितना आगे निकल गए थे सचिन पायलट को की बातें मान लेना अशोक गहलोत के लिए भी आसान नहीं था, और अशोक गहलोत के पास चूंकि विधायक हैं इसलिए आला कमान इनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लिहाजा अशोक गहलोत के पास भी एक बीच का रास्ता होगा सचिन पायलट के साथ बातचीत करने के लिए इस कमेटी के जरिए। एक कमेटी जो है उसके जरिए ये दोनों जो है मिडिल पास तय करेंगे, और यही एक रास्ता है कांग्रेस इस रास्ते पर चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने किया और जिस तरह की साजिश जो कहा जा रहा है सचिन पायलट ने की, उसके बाद तो अब ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, इसका मिलन कभी हो नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने अगर ये कोशिश की है तो इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये आसान काम नहीं है, बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं जो है काफी ज्यादा है, दोनों महत्वाकांक्षी नेता हैं, इसलिए दोनों को एक साथ रखकर एक साथ चलना ये अजय माकन के लिए ये कांटों भरा ताज है। आखिरी सवाल ये शरद जी कि सचिन पायलट को लेकर के बड़ी बातें हो रही थी कि उन्हें अकोमोडेट कहाँ किया जाएगा, राजस्थान में ही या दिल्ली में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ले आके वहाँ कोई बड़ा पद दिया जाएगा, तो उस बारे में क्या अभी आपके सूत्रों ने कुछ थोड़ा सा अपडेट दिया है, कोई जानकारी मिल रही है? ये लास्ट टाइम का सवाल है, खासकर के राजस्थान की जनता अब इसी बात पर चर्चा कर रही है कि सचिन पायलट का क्या होगा, क्या सचिन पायलट जो बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान की मिट्टी से मेरा लगा हुआ है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो किस भूमिका में यहाँ काम करेंगे, क्या अशोक गहलोत के अंदर उनको काम करना उनके लिए आसान होगा जिस तरह के हालात रहे हैं, या फिर वापस से कोई संगठन का पद लेकर राजस्थान में काम करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पावर अशोक गहलोत के पास है और बिना पावर के हालत क्या होती है सचिन पायलट से बेहतर कुछ समझ नहीं सकता। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है वो केंद्र में चले जाएं और केंद्र में कोई पद लेकर काम करें, और इस बीच अपने जो मंत्री बना सकते हैं, कहा जा रहा है कि 6 मंत्री के आसपास 6 लोगों को मंत्री उनको बनाने का आश्वासन मिला है, तो अगर अपने 17 विधायकों में से 6 को मंत्री बना लेते हैं और बाकियों 4-5 को संगठन में एडजस्ट कर लेते हैं, और उसमें से 4-5 ऐसे हैं जो सचिन पायलट के साथ हैं, वो बिना किसी पद के भी काम करेंगे सचिन पायलट के लिए, तो एक तरह से सचिन पायलट के साथ गए विधायकों का
वो राहत मिल जाएगी और सचिन पायलट दिल्ली में कोई पर काम करेंगे इस आश्वासन के साथ कि अगला चुनाव उनको मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के साथ लड़ा जाएगा या भी घोषणा नहीं भी की जाएगी तो उनके हाथ में कमान लेकर लड़ी जाएगी। ये एक रास्ता दिखता है, बाकी कोई ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा है जहां पर सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहें और अशोक गहलोत के साथ काम करें। ये थे जयपुर से आज तक रेडियो संवाददाता शरद कुमार। चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। बिहार में लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई थी। बिहार में कोरोना के 1,00,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 461 लोगों की मौत हो चुकी है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तेजी से घटती प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए 10 साल का प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन लॉन्च करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने NEET और JEE परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मामले में रिव्यू याचिका दायर की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल SYL सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर बैठक करेंगे। कोरोना संकट दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहा है। अप्रैल से जून की तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में करीब 28% और इसराइल की अर्थव्यवस्था में करीब 29% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। चीन ने कैंसिनो कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन के पेटेंट को मंजूरी दे दी है। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का असर दोबारा देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए आम चुनाव को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। दृश्यम और मदारी जैसी फिल्मों के डायरेक्टर निशिकांत कामत का आज हैदराबाद में निधन हो गया है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज़ एनालिसिस दिन भर में आज इतना ही। इसकी साउंड मिक्सिंग की सचिन द्विवेदी ने। हमें सुनने वालों में से आज जिसका ईमेल मैं पढ़ रहा हूँ वो लिखा है विजयेंद्र प्रताप सिंह ने, लालगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। क्या बात है, लालगंज में भी गया हूँ विजयेंद्र जी 2017 यूपी चुनाव के समय, और वहाँ के बाज़ार में पी हुई उम्दा कुल्हड़ चाय आज तक नहीं भूला हूँ। तो विजयेंद्र जी ने लिखा है लालगंज से कि आज का दिन और दिन भर कार्यक्रमों की अवधि 30 मिनट से कम ना करें, हो सके तो ज़्यादा ही करने की कोशिश करें, और सुर्खियों का समय भी कम से कम 5 मिनट करें और उसमें दुनिया के समाचार दें तो बहुत अच्छा रहेगा। विजेंद्र जी, पहले तो समय निकालकर हमें ईमेल लिखने और इस बहाने उस चाय की याद दिलाने के लिए थैंक यू। और दिन भर और आज का दिन 30 मिनट की पॉडकास्ट हैं कमोबेश, पर चूँकि हम शॉर्ट वेव पर नहीं हैं तो हमारे लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, हम डिजिटल पर हैं इसलिए कभी कभी हमारे पॉडकास्ट 30 मिनट के ऊपर भी जाते हैं और कभी कम भी रह जाते हैं, कोई फिक्स रूल हमने इस पर नहीं रखा है। लेकिन जहां तक 5 मिनट की सुर्खियों का सवाल है तो 5 मिनट की सुर्खियां हम दिन भर और आज का दिन में नहीं बताते हैं क्योंकि उसके लिए हमने एक अलग से एक बुलेटिन रखा हुआ है जिसका नाम ही हमने 5 मिनट रखा है। हर रोज़ अभी वो 2 बुलेटिन जाते हैं 5 मिनट के, जिनकी संख्या हम आगे और बढ़ाएंगे। दिन भर और आज का दिन जो हैं वो विश्लेषण के प्रोग्राम ज़्यादा हैं। खबरों को सुनने के लिए आप 5 मिनट वाले जो हमारे बुलेटिन हैं वो ज़रूर सुनिए, और इसके अलावा भी एक दिन की एक खबर पर हम एक लंबा एनालिसिस करते हैं, वो सुनना हो तो वो आपको पॉडकास्ट के अंदर मिलेगा। कोरोना कवरेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ कोरोना से जुड़ी हुई दिन भर की सारी बड़ी खबरें, सारे ज़रूरी मेडिकल रिसर्च, नए आंकड़ों का नया एनालिसिस और लोगों के तजुर्बे सुनने को मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, हमें लिखते रहिए, और आप लोग भी अगर लिखना चाहते हैं हमें चिट्ठी तो लिखें radio@aajtak.com पर आप अपनी बात लिखकर, या आप चाहें तो ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को भी कभी कभी अपने प्रोग्राम्स में जगह दें। तो ठीक है, चलिए दिन भर में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम कुलदीप मिश्र, नमस्कार।